नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत खास है जो पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको पथरी का दर्द उठता है। तमाम सारे इलाज करा लिए, लेकिन या तो ऑप्शन बचता है ऑपरेशन का, या फिर इसी दर्द के साथ जीने का। आज मैं आपको 3 ऐसी जड़ी बूटियाँ बताऊँगा, यदि आप उसका बताए गए ढंग से प्रयोग करेंगे, नुस्खा बनाएंगे, तो घर बैठे आप अपनी पथरी को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 जड़ी बूटी चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको सुहागा, कलमी शोरा और जवाखार। ये तीनों बराबर मात्रा में, अगर आपको 1 महीने के लिए नुस्खा बनाना है तो तीनों की आपको 20-20 ग्राम में ज़रूरत पड़ेगी। पथरी हमारे शरीर में होती क्यों है, इसके कारण तो बहुत सारे हैं। कुछ खान पान ऐसे हैं, यदि हम उनको ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में पथरी बन जाती है। कुछ जगह का पानी ही ऐसा होता है कि जिसकी वजह से शरीर में पथरी बन जाती है, या फिर आपका वाटर इनटेक कम है। एक दिन में आप आवश्यकता से कम पानी पीते हैं, तब भी आपके शरीर में पथरी बनने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो दोस्तों, ये 3 जड़ी बूटियाँ हैं जिसका प्रयोग करके आप बनाएंगे नुस्खा। सबसे पहले सुहागा, कलमी शोरा और ये जवाखार। तीनों बराबर मात्रा में लेंगे, 20-20 ग्राम की मात्रा में। सुहागे का प्रयोग करने से पहले उसे तवे पे जरूर भून लें या फिर उसे फुला लें। जब आपके पास ये तीनों जड़ी बूटियाँ आ गईं, आपने सुहागा को फुला लिया, तीनों को कूटिए पीसिए, इनका चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को प्रतिदिन 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि अब मौसम कुछ कुछ सर्दियों का आने लगा है और मार्केट में आपको मूली भी मिल जाएगी। यदि आप इस नुस्खे का प्रयोग पानी की जगह मूली के रस के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। छोटी मोटी पथरी अगर आपके अंदर है तो वो 1 महीने में बाहर हो जाएगी, और यदि पथरी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 6 mm से ज़्यादा बड़ा है, तब आप देखेंगे कि 1 महीना इस नुस्खे का सेवन करने के बाद वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो गई है और आपकी पथरी का साइज पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। तो यदि छोटी पथरी है, 1 महीने में आपकी पथरी बाहर, और बड़ी है तो आपको इसका सेवन 1 महीने से कुछ ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये सारी ही जड़ी बूटियाँ आपके आसपास किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी, और यदि किसी भी तरीके से आपको इनको पाने में कोई भी मुश्किल होती है, तो आप घर बैठे या तो हमारी वेबसाइट jadibootistore.com पर लॉगिन कर लें, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके ये जड़ी बूटियाँ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये नुस्खा आयुर्वेद का बहुत पुराना नुस्खा है और इसका प्रयोग वर्षों से होता आया है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने इस नुस्खे की सहायता से अपनी पथरी को शरीर से बाहर किया हो। यदि ऐसा है तो वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा बनाया गया कंटेंट, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।